अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको बुआई का कुर्ता कटिंग करना बताऊंगी, जो डीप से सिखाऊंगी बिगनर्स के लिए, जो इजीली अपने बच्चों के कपड़े घर में स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इसका शोल्डर मैं 7 इंच लूँगी और इसका जो डाउन करूँगी वो 1 इंच पर। तीरा इसका जो हम लेंगे वो हम लेंगे 7 इंच, और आर्मोल्स का भी हम निशान इधर लगाएंगे 7 इंचेस। इस तरह से मैं चौक चेंज करके आपको निशानात लगा के दिखाती हूँ। और व्यूवर्स, इसके गले की जो विड्थ हम रखेंगे तो वो यहाँ तक आएगा इस तरह से। तो हम इसका ये निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, इतना इसके गले की डेप्थ आएगी और इसकी चौड़ाई भी जितनी यहाँ से ली है उतनी इधर से भी लेंगे। अब मैंने चौक चेंज कर दी है, इसके ऊपर बैंड लगेगा तो इस तरह से राउंड बनाएंगे बैंड के लिए, और कॉलर के लिए अलहदा होता है। यहाँ से मैं इसकी अब चेस्ट लूँगी, पहले मैं इसका फ्रंट पार्ट कट करके बताऊँगी। तो यहाँ से इसकी जो चेस्ट होगी, यहाँ से 8.5 इंचेस और आधा इंच इसमें हम लूजिंग का लेंगे जिस पे हम कटिंग वगैरह करेंगे। और इसी के साथ जितना यहाँ से है उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इसको राउंड कर देंगे। अब यहाँ से इसकी फुल लेंथ आपको बताऊंगी। तो ये 33 इंचेस है, तो 1 इंच बीच में मैं एक्स्ट्रा लूंगी, 34 इंचेस पर इसकी लेंथ लेंगे। और यहाँ से स्किल की मदद से या एनजी टेप या किसी चीज़ की मदद से भी आप स्ट्रेट निशान लगा लें। और इसकी कमर यहाँ पे हम लेंगे, चौदह पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे 19 पे इसकी हिप लाइन आएगी, कमर 14 पे आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यानी 6 इंचेस भी आप कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। और चौक इसके जो आएंगे वो 11.5 इंचेस पे आएंगे, इस तरह आप इसका हाफ कर लें, ठीक है। और अब यहाँ से इसकी जो वेस्ट है वो 8.5 इंचेस पर, और यहाँ से 9 इंचेस पर ले लेंगे इसको। साथ में थोड़ा सा ही कुर्ता फिटिंग में है, और जितना यहाँ से लिया है उतना इधर से भी 9 इंच तक, थोड़ा सा फोल्डिंग पे और कटिंग का है यहाँ से। एग्जैक्ट निशान पहले लगाना है, इनवर्स इसकी लाइनें मैंने ठीक से ड्रॉ कर ली है। और थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से इस तरह कट करना है, क्योंकि जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो इसके कॉर्नर बाहर की तरफ ना निकले, इसमें इतना ही। अब मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कटिंग इजी है। इसको मैं आराम आराम से कट कर रही हूँ।
साइड पॉकेट वगैरह का इसलिए नहीं बता रही कि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे पहले इसमें मेन ये है कि आपको कटिंग परफेक्ट आनी चाहिए। ये बस इसको मैंने कट कर लिया, इस तरह फोल्ड कर लेंगे।